हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हमने अपनी पूरी कोडिंग कर ली थी। मैं आपको एक बार पूरा कोड दिखा देता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को अब रन करने वाला हूँ। ओके, पूरा कोड दिखाना है तो इसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके, सो ये पूरा पूरा कोड है। ओके, मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ भी इरर होगी तो हम लोग इरर को दूर करेंगे। इनफैक्ट इरर सॉल्व करने में तो हम लोगों को मज़ा आना चाहिए, और बिना किसी इरर के हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। बट वेट एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्या प्रिंट हो रहा है? मैं चलता हूँ अपने इसमें और यहाँ पर बैक स्लैश एन लगाना भूल गए थे। ठीक, ओके, तो देखिए हमारा प्रिंट हो गया है। अच्छा, एग्जिट फंक्शन की हमने कोडिंग की क्या एग्जिट के लिए? मैं एक बार जस्ट कंफर्म कर ले रहा हूँ। फोर में हमने एग्जिट कोडिंग की ही नहीं यार। एग्जिट कोडिंग के लिए हम क्या करते थे कि हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल बना लेते थे इंट ब्रेक इनफाइनाइट लूप, इसमें हम लोग जीरो कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग चॉइस फोर में क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा वन, है ना, और कर दूंगा ब्रेक। और जब ये हमारा लूप स्विच इंड हो रहा है तो मैं यहाँ चेक करूंगा, इफ़ अगर इसकी वैल्यू वन है तो एक ब्रेक और चला दूँ, और ये ब्रेक चलेगा तो क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप को ब्रेक कर देगा। हम समझ चुके हैं, राइट? ठीक है, मैं थ्री इंटर करता हूँ। देखिए कह रहा है स्टैक एलिमेंट्स आर। ओके, अभी तो हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी था, तो स्टैक एलिमेंट्स आर क्यों आ रहा है? एक ही स्टैक इक्वल टू लगाया हमने ना। देखिए कह रहा स्टैक इज एम्प्टी। ओके, ओ प्रोग्राम इंड हो गया। इंड क्यों हो गया? ओके, इंड इसलिए हो गया ना कि मैं यहाँ पर ब्रेक भूल गया हूँ, तो ये नीचे वाला भी चल जाएगा, और नीचे वाला चला तो हमारा ब्रेक हो जाएगा, और इनफैक्ट यहाँ पर भी मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारी इरर थी ना। ओके, स्टैक इज इम्पटी में टू करता हूँ। देखिए पॉप इज नॉट अलाउड, स्टैक इज इम्पटी। थ्री पर स्टैक इज, टू पर पॉप नॉट अलाउड, स्टैक इज एम्प्टी। मैं वन इंटर करता हूँ, लेट्स से मैं टेन इंटर करता हूँ। देखिए नोड इंसर्टेड एज अ फर्स्ट नोड भी बता रहा है ना, और ये देखिए हमें अगर थ्री इंटर करता हूँ, देखिए टेन यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं पॉप कर लूँ देखिए नोड डिलीटेड, स्टैक इज नाउ एम्प्टी। लेकिन मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर कि जब मैं पॉप कर रहा हूँ ना तो मैं वो वैल्यू भी प्रिंट कर दूंगा जो वैल्यू क्या है, पॉप हो रही है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये मैं आ जाता हूँ यहाँ पर पाप में। ओके, तो पाप में आने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये लाइन यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके, अदरवाइज लेट से इस लाइन को मैं यहीं रहने देता हूँ, और मैं यहाँ से ओके नोट डिलीटेड मैं कह दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक प्रिंट ऑफ ऑल लगा देता हूँ, पॉप्ड नोड वैल्यू इज परसेंट डी। ओके, तो मुझे कैसे मिलेगा वो डेटा, वो जो स्टैक है ना उसके डेटा की वैल्यू, क्योंकि ये क्या था, स्टैक एरो डेटा, क्योंकि वो पहला नोड था, राइट, एक ही नोड था जिसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा। ठीक, और इसी तरह से मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये जो मैं फ्री कर रहा हूँ ना टेम्प, इसी का डेटा तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो टेम्प को मैं फ्री करने से पहले ना उसके डेटा को मैं यहाँ से ऐसे एक्सेस कर लूँगा। ठीक, आया ना समझ में? एम्प्टी एम्प्टी
नोड इंसर्टेड एज फर्स्ट नोड, थ्री देखिए है, देखिए पाप नोड वैल्यू इज टेन नाउ नोड डिलीटेड नाउ स्टैक इज नाउ एम्प्टी, बिल्कुल सही बात है। मैं थ्री करता हूँ, देखिए टू करता हूँ नॉट अलाउड, मैं एक और इंटर करता हूँ, देखिए देखिए ट्वेंटी लास्ट में ही इंसर्ट हुआ है, लास्ट में ही इंसर्ट होगा। मैं पाप करूँ तो थर्टी पाप होगा, नोट डिलीटेड, टू करूँ ट्वेंटी पाप पाप होगा, टू करूँ टेन पाप होगा, फिर देखिए पाप इज नॉट अलाउड। ओके देखिए हमने फाइव नोड यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं। अब अगर मैं देखिए व्यू कर लिया, पाप करूँगा तो फिफ्टी पाप होगा, फोर्टी थर्टी ट्वेंटी टेन, और देखिए कह रहा है नाउ स्ट्राइक इज इम्पटी। अगर मैं थ्री करूँ देखिए स्ट्राइक इम्पटी। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और मैं आपको पूरा एक बार कोड दिखा दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके फिर मांगते हो कोड दे दो कोड दे दो, कोड देने की क्या बात है, इसमें आप अपने से कोडिंग करिए ना। अगर मैं आपको ऐसे कोड दे दिया तो आप सिंपली लेके रन कर लो, इसमें कोई मज़ा नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।